नाड़ी शुद्धि करो, रोक करके भी करो थोड़ा, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, SLEMS ऑटोमन डिजीज है, उनको नाड़ी शुद्धि मैंने बोला हुआ है। अब ये लड़की देखो 5 मिनट लगातार करती है पवन मुक्त आसन, क्यों नहीं ठीक होगी। अब मैंने ठान रखा है 2021 का मेरा सबसे बड़ा सपना है एलोपैथिक दवाओं के ड्रग माफियाओं के चंगुल से इस देश को बचाना, उनके षड्यंत्र से देश को बचाना और उनको आरोग्य देना। ये खाली कोई बहिष्कार का मार्ग नहीं है, उसका विकल्प दिया है हमें। हाँ चलो बेटा वो करो, उत्तान पादासन करो और फिर नौकासन करना। पहले इसके 10 सेकंड नहीं रुक पाते थे, अब आधा आधा मिनट करके कर लेती है। थोड़े बेटियों के मसल्स थोड़े वीक होते हैं ना, तो फिर इसने मजबूत कर लिया अपने आप को। ओम स्वामी जी, आपने क्या क्या ठीक किया? स्वामी जी, हम लोग 3 जनवरी को यहाँ आए थे और उस समय मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो 151/100 था और 3 दिन के बाद में मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 हुआ। और इसके बाद में मैंने अभी ब्लड टेस्ट कराया है स्वामी जी यहाँ पे आके, तो मेरा जो ट्राइग्लिसराइड 360 था अब वो 180 है, नॉर्मल है। 360 से 180 आ गया ब्लड प्रेशर और BP नॉर्मल हो गया। और हाँ जी, और इसके अलावा स्वामी जी जो चमत्कार मैंने यहाँ आके महसूस किया, मेरे को करीब करीब मेरी जो मेमोरी है इसमें 50 साल से मुझे स्किन प्रॉब्लम है। हाँ, और ये जोरदार बात बताई इसने मेरे को कि और पीढ़ी दर पीढ़ी स्किन प्रॉब्लम है इनको। हाँ, और ये जेनेटिक है स्वामी जी, मेरे माँ बाप को भी रही है ये। यहाँ के हम लोग भाग दौड़ में व्यस्त रहे, लेकिन एक दिन मुझे ये ध्यान आया कि ये मेरी इचिंग क्यों नहीं हो रही है। तो बीमारी खत्म होगी तो याद करना, ये याद आया कि एक तो और भी कोई प्रॉब्लम थी, तो याद करने पे समझ में आया स्वामी जी के इचिंग है, अदरवाइज 95% तक वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जेनेटिक बीमारी और पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चल रही थी। स्वामी जी आपकी आ गया हो तो मैं 2 मिनट और बात बोलना चाहूंगा। बता, बता। स्वामी जी, मैं आज से करीब 5 साल पहले अपने 25 टीचर्स के साथ में आपका आचार्य कुलम देखने आया था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझने आया था। और मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि मैंने भी CBSE स्कूल में काम करता हूँ, 20 साल से प्रिंसिपल हूँ मैं स्कूल का, मैं ये कह सकता हूँ कि जितना भी आपका आचार्य कुलम में हमने व्यवस्था देखी, हमने क्लास की टीचिंग लर्निंग देखी, वहाँ पर जाके क्लास लेसन ऑब्जर्व किए, और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ जो है वो आचार्य कुलम है। आज के ज़माने में जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, मैं समझता हूँ कि सारे बच्चों को लिटरेट करते हैं, लेकिन आपके आचार्य कुलम में बच्चों को एजुकेट किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और मैं सभी को ये आह्वान करूँगा कि आप अपने बच्चों को आचार्य कुलम में भेजें ताकि वो संस्कारवान बने। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। आज आचार्य कुलम के बच्चों का मकर संक्रांति को यज्ञोपवीत संस्कार भी है, तो वो करो बेटा सेतु बंधासन, पैर मोड़ के बीच से उठाते हैं ना। हाँ, बीच से उठा लेते, पैर मोड़ो, बीच से उठाओ, दोनों पैर मोड़ के बीच से उठाओ, कमर को, कमर को। ये आसनों के नाम में दिक्कत हो जाती है बच्चों को। आज आचार्य कुलम के बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार है, हम यज्ञोपवीत संस्कार भी सब बच्चों को करते, सारे संस्कार देते हैं उनको, विद्याभ्यास, योगाभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यासों से उनके जीवन में स्वभाव में परिवर्तन लाना, ये बड़ी बात है। जो मैंने कल शिक्षा के संदर्भ में पूरी बातें कही थी, फिर किसी दिन कहूँगा। शिक्षा के विभिन्न आयाम हैं, मात्र बच्चों को कुछ सूचनाएं दे देना, इन्फॉर्मेशन तो घर में बैठे सारी दुनिया की पालो आप। इन्फॉर्मेशन इज नॉट ओनली एजुकेशन, एजुकेशन इज नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और एजुकेशन का मतलब है आपके जीवन के सारे घटकों में दिव्यता लाना, विराटता लाना, आपके भीतर जो असीम सामर्थ्य परमात्मा ने दिया उसको जागृत करना। खैर, अभी आपको प्राणायाम करवा रहे हैं। प्राणायाम करते करते आज मैं ने कुछ थोड़ा सा होमवर्क किया था आपको बताने के लिए, थोड़ा सा बोल देता हूँ। BP के लिए यहाँ पर हम मुक्तावटी और BP ग्रिट, ये दो औषधियाँ तैयार की है हमने और 100% एलोपैथी का विकल्प है। एक दिन भी एलोपैथी की दवाई लेने की जरूरत नहीं।
किसी का बाई चांस मुक्ता उटी से कंट्रोल ना है तो बीपी ग्रिड खाली पेट मुक्ता उटी खाने के बाद बीपी ग्रिड ले ली, शुगर बीपी ठीक, और अनुलोम विलोम रही तो सब कर रही है, ब्राह्म रोध गीत तो करवा ही रहे, शुगर के लिए मधुनाशिनी और मधुग्रिट है, 100% समाधान। और आपके सामने लाइव एग्जाम्पल्स के साथ में कह रहा हूं, हार्ट के लिए हृदयामृत और कार्डियोग्रिट है, साथ में अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा तो पिला ही देते हो। मोटापा के लिए तो हमारे पास में थोक में इलाज है, अलग अलग प्रकार के कल्प तो करवाते ही हैं, लौकी से आदि से लेकर के, उसके लिए मेदोहर वटी है, उसके लिए भी वेट गोभी बना दी है, उसके लिए त्रिफला गूगल भी है, उसके लिए गोधन अर्क भी है, उसके लिए लौकी का सूप लौकी का जूस भी देते हैं। और मतलब मोटापे के तो हम दुश्मन हैं, ऐसे तो सभी बीमारियों के हम बैरी हैं, मोटापा, थायराइड, थायरोग्रिट, कपालभाति, ये सब जो है ना अपने एक्यूप्रेशर के साथ करो। अब बेटा वो कर लो, दोनों पैर मोड़ के तलवों से मिला के और नाक से लगाते हैं, ये करो, ये पूरा कर रही है गुड़िया, ऐसे करना होता है। अब प्राणायाम करेगी मेरे साथ बैठ के अभी, थायरोग्रिट, थायराइड का पॉइंट दबाओ, उज्जाई करो, ग्यारह ग्यारह बार करना है, सुबह दोपहर शाम कर लो, थायराइड की दवा बंद करवाई हमने, थायराइड नॉर्मल है, T3 T4 TSH 100% नॉर्मल, थायराइड की दवा बंद। अर्थराइटिस की दवा बंद, अर्थराइटिस के लिए तो हमने पेडानिल गोल्ड से लेकर के पेडानिल स्प्रे से लेकर के पेडानिल स्प्रे लगाया करो दिन में 3 बार, और जिनको बहुत ज्यादा दर्द है तो पीड़ांतक एक ट्यूब बना रखी है हमने, रात को लगा के लपेट लगा के सो जाया करो, सुबह तक 25% ठीक, पहले ही दिन आराम। एलो एक हम पर तोहमत लगाते थे एलोपैथी वाले कि योग आयुर्वेद में प्राकृतिक चिकित्सा में तो बहुत वर्षों लग जाते हैं तब जाके फायदा होता है, मैं कहता हूं इंस्टेंट बेनिफिट, अभी नहीं तो कभी नहीं। और योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा से, यज्ञ चिकित्सा से, मर्म चिकित्सा से, आहार चिकित्सा से पहले ही दिन से लाभ होता है, इसका सबसे बड़ा केंद्र कोई है दुनिया में तो योगाग्राम है, और यहां हम निरामयम में योगाग्राम में करके दिखाते हैं कि पहले ही दिन से आपको रिवर्स गियर लगता है, बीमारियां की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, अर्थराइटिस, पीडानिल गोल्ड से लेके पीडानिल स्प्रे से लेके पीडांतक मलहम से लेकर के फिर ऑर्थोग्रिट देते हैं, फिर उनको कई प्रकार की वीकनेसेस होती है उसको दूर करने के लिए मोरिंगा स्प्रिल्यूना इम्यूनोग्रिट, ये उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, जो उसके शरीर में क्षय हुआ है, ह्रास हुआ है, शरीर का जो ह्रास होता है उसकी पूर्ति के लिए हमने ये इम्यूनोग्रिट, उसके लिए मोरिंगा, उसके लिए कर्कुमिन गोल्ड, और आज आज सबको मिल जाएगी ये जितने भी खटपट होती है ना जिनकी हड्डियों में खटपट खटपट, जिधर देखो घर परिवार में भी खटपट, बिजनेस में भी खटपट, समाज में खटपट, राजनीति में खटपट, हड्डियों में भी खटपट, बैठ जाओ बेटा आराम से, ठंड तो नहीं लग रही, थोड़ा तो पहन ले, नहीं लग रही तो इतना योगाभ्यास करके गर्मी आ गई, अब जोर जोर से 5 मिनट ये करना आराम आराम से जितना कर सके, फिर कपालभाति करना, फिर अनुलोम कर, नहीं तो गुजराती हो ना आवा कपड़ा मा, ये पहले दिन भी मेरे को देख करके ऐसे ही कपड़े में आ गई थी, बोले समझिए आपने तमने नहीं लागे ठंड तो मैंने किम लाग से ये गुजराती लोग ऐसे कपड़े में आ जाए, ये आश्चर्य की बात होती है। तो जिनकी भी हड्डियों में खटपट होती है, सुन लो सारे, मैंने बोल रहा था ना जब ऐसे करते हैं, देखो ऐसे करना ही अर्थराइटिस वाले, ऐसे 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 सब ये सब करते हैं ना ऐसे, तो ये हड्डियों में यहाँ यहाँ ये सब खटपट होती है, यहाँ बोलते घुटनों में भी खट आवाज़ आती है, आवाज़ें कितने लोगों को आती हैं, आवाज़ें यहाँ यहाँ ये सब, हाथ हिलाना ऊपर हिलाना एक बार, ओह इतने लोगों को थोक में आवाज़ें आती हैं, ए तो कीर्तन है हमारे संजय को भी आवाज आती है, कैमरा मैन को, पुराना चेला हमारा
तो तेरी भी आवाजें बंद करनी है। ये आवाजें क्यों आती हैं? हड्डियां कमजोर हो गई हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ दिन तक तो आप एक महीना तक, खाली एक माह, अभी मेरा डायरेक्शन है, एक माह आप यहां से स्टोर से मिल जाएगी विटामिन डी और विटामिन B12, वो खा लेना। अभी आ जाएगी, मैंने बोल दिया आ जाओ और आ जाएगी, विटामिन डी और B12, थोड़े कैल्शियम की भी गोली है, एक महीना खाना। शेष आपको अभी जो जा रहे हैं उनको तो आज दिला दूंगा एक दो दिन में, बाकी सब के लिए अभी तुरंत में तो एक हम बना रहे हैं। हमने अभी ये सारे न्यूट्रिशन की कमी होगी छोटे छोटे तत्वों की शरीर में, और उसकी पूर्ति के लिए नेचुरल चीजें, ऑर्गेन 100% नेचुरल ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड सारे न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन की चैन भी हमने बना दी आप लोगों के लिए। ये पहली बार किया हमने 30 साल के अंदर, ये हमारा पहला कार्यक्रम है आप लोगों के लिए। मैं यहां से जाने के बाद 5-6 घंटा तो यही सब चीजों का फॉलोअप लेना, उनकी प्रोग्रेस लेना, उनके नए अनुसंधान में मदद करना, उनको सारे रेफरेंसेस देना, क्योंकि साइंटिस्ट लोग तो आयुर्वेद नहीं पढ़े हुए, वो तो ऋग यजु साम अथर्व का बोध नहीं है, चरक शुष्क धन्वंतरी का, भाव प्रकाश निघंटू का, उनको तो अष्टांग हृदय का बोध नहीं है, उनको तो जो है सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शनों का, उपनिषदों का, और ये सारे जो है ये पूरी विद्या है, ये उनको तो ये बोध नहीं है, तो वो बोध हमको है, उनको साइंस का बोध है, और हम भी अब साइंटिस्ट हो गए ये काम करते करते। मैं बिना डिग्री वाला साइंटिस्ट हूं, मैं बिना डिग्री वाला डॉक्टर हूं, क्यों? मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूं, तो भगवान राम जी के पास क्या डिग्री थी? मेरे से बहुत पहले मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, मैं 20 साल तक मेरी खूब जम करके बेइज्जती की इन लोगों ने, खूब मेरे को रगड़ते थे, तू तेरे पास कौन सी डिग्री है? मैंने कहा मेरे पास वही डिग्री है जो राम जी के पास थी, जो कृष्ण जी के पास थी। वो जो भगवान कृष्ण जी महर्षि संदीपनी के आश्रम में जाकर के जो पढ़ के आए थे वही मैं पढ़ के आया हूं। बोले वो तो पुराने महाभारत के जमाने की बात है, मैंने कहा उसी जमाने का आदमी हूं मैं, धोखे से पैदा हो गया आजकल के जमाने में। मैंने कहा गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जो पढ़ करके आए थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र से जो पढ़ करके आए थे राम जी, मैं उस जमाने के गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूं। बोले वही उस जमाने का गुरुकुल यहां कहां खुला हुआ है? मैंने कहा एक खुला हुआ है खानपुर में और दूसरा खुला हुआ है कालवा में, जीन जिले में, गांव में। बोले आपके उस गुरुकुल की मान्यता क्या है? मैंने कहा मान्यता और आपका गुरुकुल, वो गुरुकुल देखने पहुंच गए फिर बहुत से लोग, अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले तो मेरे ऊपर चारों ओर से ऐसे आक्रमण होते थे, कोई जहां में पैदा हुआ उस गांव में पहुंच जाए, कोई जहां गुरुकुल में पढ़ा कि स्वामी रामदेव कहां पढ़े वहां ढूंढे, वो पेड़ के नीचे जाकर के, बोले ये क्लासरूम है, ये पीपल का पेड़ स्वामी रामदेव का क्लासरूम है। लेकिन हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वालों ने बड़े बड़े झाड़ झंकार उखाड़ दिए हमने, लेकिन वो पढ़ाई हमने पूरी की, अब काम भी पूरा कर रहे हैं। कपालभाति करो बेटा, देखो मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये बातें, अर्थराइटिस, रेमेटाइड अर्थराइटिस, फिर एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, फिर ये पार्किंसंस, ये सब भाई बहन है, ये सब ठीक कर रहा हूं मैं यहां पर और प्रामाणिकता के साथ। जय, तेरा भी बैग गियर लगा कि नहीं लगा है? इसको देना जय को, ये है MND, वही वही खड़ा होने लग गया अब। हाँ सर खड़ा हो जा फिर, ऐसी क्या बात है, हा? पहले तो इस जय के लिए ताली बजाओ, बच्चे के लिए आराम से उठ जाओ, अभी ठंड है ना, इतनी ठंड में सारी कल परसों से सारे TV चैनल बर्फ ही बर्फ दिखा रहे हैं पूरे हिमालय से लेकर को, मैं हिमालय की तलहटी में बैठा हुआ हूं, बर्फ ही बर्फ दिखा रहे, लोग पहले डरते थे, यहां योग ग्राम में ढूंढने पड़ते थे आदमी सर्दियों में, और अब यहां निकाले निकल नहीं रहे। तो क्या क्या अपना बताओ बेटा, तुमको कितने दिन हो गए जी? ये लो, ये MND का पेशेंट है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, और तेरे को कितने दिन डेथ का सर्टिफिकेट का कौन सा डेट दे रखा था? 2 साल का इसको डेथ वारंट जारी कर रखा था।
दो 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 दिन में तो इसका वो जकड़न ठीक हो गया, और पहली बात मैं फिर यहाँ पे आके 4 दिन में मेरा 2 किलो वजन भी कम हो गया, तो उससे भी काफी फर्क पड़ रहा है। चलने में थोड़ा आसानी हो गई, पहले चलने से डरता था कि लेग्स पे वेट आ रहा है, तो अपने हिप के जरिए मैं वेट उस पे डाल के चलता रहा, तो ज्यादा नहीं चल पा रहा था। अब एटलीस्ट पाँव पे चलना वापस से शुरू कर दिया, वजन पाँव पे डालना शुरू कर दिया है, तो पाँव में थोड़ी सी ताकत वापस आ रही है। पाँव में ताकत रिवर्स गियर लग गया ना 4 दिन में, और ये बीमारी कैसी है? मोटर न्यूरॉन डिजीज वालों को डेथ वारंट जारी कर देते हैं, इसको 2 साल का, इसके बगल में बैठी प्रीति उसको 2 महीने का जारी कर रखा था, वो तो यहां आ गई, मन का 2 महीने तक यहीं रहे, मैं देखूंगा कैसे आएगी तेरी मौत। मैं लोगों का खाली हौसला नहीं जगाता हूं। ये जय जो है अब 4 दिन में इसको लग रहा है कि मेरे भीतर रूपांतर, और उसका एक्सपीरियंस कर रहा है, ये कोई जादूगर का काम नहीं है, कोई इसको ऐसा नहीं कि मैंने कोई तंत्र मंत्र करके हुम ह्रीम ह्रूम फट फुट 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 स्वाहा कुछ कर दिया हो। तो लेकिन पूरा योग कर रहा है ना, अनुलोम विलोम पूरा दिन भर करता है, ठीक होकर के जाएगा, ये संकल्प है, अनुलोम विलोम दिन भर करना है। और अभी भी और नाड़ी शुद्धन नाड़ी शोधी शुरू कर दिया ना, ओ प्रीति तुडा की हाल है, તમે કેમ છો? આ તો ગુજરાતી છે, બોલ 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 પહેલે તો બોલ ભી તો નહીં પાતી થી, વો ભી તો બતા પહેલે બોલને મેં ભી દિક્કત થી, અબ બોલને ભી અચ્છા લગ ગઈ હૈ, ઓર अब रात को चैन से नींद सोने लग गई है, और थोड़ी खड़ी भी तो होने लग गई है, खड़ी भी हो रही है, धीरे धीरे बिना पकड़े चल रही हूँ, ये लो चलने भी लग गई है थोड़ी। वो कहते थी मरेगी, मैं कहता हूँ न मरिष्यति न मरिष्यति मा विभेहि सर्वो वै तत्र जीवति घोर श्वाप परश्वाप पशु यत्र इदम क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम्। ये अथर्वेद का मंत्र बोले मैं, हमारे गुरु जी हमको ये बोलते थे, न मरिष्यति न मरिष्यति, नहीं मरेगा तू, डर मत बेटा। तो ये प्रीति का हाल, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, MND ऑटोमेन डिजीज आपको बता दी, MS बता दिया, MND बता दी, और क्या चाहिए? पार्किंसंस वाले किधर है? पार्किंसंस वाले हैं, इसको देना माता को इधर, ये करो करने से होगा। चलो ये तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो बेटा, थोड़ा तो पहन लिया, ज्यादा ठंड लग जाएगी, पहले गुजरात की छोकरी है। न्यूट्रीला ब्रांड है अपना, बहुत पुराना 50 साल पुराना एक कंपनी था, तो उसको हमने ले लिया था, NCLT में चला गया था, दिवालिया हो गया था, तो लाखों लोगों का रोजगार उनका सब कुछ दांव पर लगा था, बचा लिया हमने। तो न्यूट्रीला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, ओमेगा, ये सब के साथ साथ न्यूट्रीला मल्टीविटामिन ये आपको देंगे, एक नेचुरल सोर्स है, ऑर्गेनिक सोर्स से लिया हुआ। तो न्यूट्रीला मल्टीविटामिन सबको लेना है, जो भी अर्थराइटिस वाले हैं। अब ये आज शाम को आ जाएगा, ये नई दवाई, मकर संक्रांति के दिन आपको एक नई सौगात दे रहा हूं। स्वामी जी प्रणाम। तो ये सबको लेना है जिनको खटपट होती है और कई प्रकार की कमियां हैं शरीर के अंदर, न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस की, सबको ले लेनी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एलोपैथी वाले तो जैसे मैंने देखा, आज से 27 साल पहले एक हमारे मित्र थे, वो जो है बोले मुझे ताकत बढ़ाने रिवाइटल खाने लगे, रिवाइटल खाते पेशाब पीला और जो है पसीने में से बदबू। मैंने कहा क्या खाते हो? बोले तो ताकत के लिए ना खा रहा हूं, रिवाइटल खा रहा हूं। तो मेरे को उस समय तो पता नहीं लगा इसका विकल्प क्या है, लेकिन मैं लगा हुआ था बहुत सालों से। अब 30 साल लगे मुझे, लगभग 30 सालों में न्यूट्रीला क्या हो रिवाइटल का बाप हमने खोज लिया है, 100% नेचुरल सोर्स है। और उसमें भी जो नहीं मिलता, और वो तो शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती, वो चीजें यूरिन से पास आउट हो जाती है, जो हम आपको देंगे वो शरीर में लगेगा। क्या नाम बोलो बेटा? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। स्वामी जी मेरा नाम रोहित कुमार है, और मेरे को एवास्कुलर नेक्रोसिस है, ABN मतलब कुल्ले की हड्डी गल रही है। ओहो, कुल्ले की हड्डी गल रही है तेरी? हाँ, स्टेरॉइड्स की वजह से मेरे को ये होने लग गया था। क्या नाम बेटा? रोहित कुमार। रोहित, हाँ। अब कितने दिन हुए यहाँ? अभी मैं कल आया हूँ। हाँ,
और मैं नीचे वगैरह जैसे नहीं बैठ पाता हूँ और चलने में दिक्कत होती है। अभी कल पीडानिल स्प्रे आपका मिला था मेरे को दवाई में, तो उससे दर्द कम काफ़ी कम हुआ है, कल लगाया था। लगा तो ये पीडानिल भी एक नई चीज बन गई है, ये कोरोनिल से एक सीरीज शुरू हुई थी। एक तो एक ग्रिट वाली सीरीज है, एक नील वाली सीरीज है। तो नील वाली में कोरोनिल ने पूरे कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचा ली संक्रमित होने के बाद। बाकी उसको खा करके और जो जान बचा रहे हैं वो तो अलग है। आप लोगों ने कोरोनिल खा के कितनों ने जान बचाई, हाथ उठाना जरा। ये प्रमाण बैठे हुए हैं उसके यहीं। एक बार जोरदार अभिनंदन आप सबका। और उसको खाने से होता नहीं है। देखो मैं वैक्सीन का विरोधी आदमी नहीं हूं, वो भी एक अनुसंधान है, विज्ञान है, लेकिन वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, वैक्सीन इज प्रिवेंशन। क्योंकि खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो संक्रमित नहीं होंगे। 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद जो भी बढ़ेगी वो 6 महीने के लिए बढ़ेगी कि 9 महीने बढ़ेगी, वो टेम्परेरी कार्यक्रम है। लेकिन कोरोनिल प्रिवेंशन भी है, क्योर भी है, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स को दूर करने वाला है। कितनी बड़ी बात है, ये बड़ी चीज है। अब ये कल ही आया था, कल ही इसने पीडानिल लगाया, और रात को बेटा तेरे को पीडान तक का लेप लगा करके लपेट लगा के सोना है। उससे क्या होगा, सुबह तक तेरे को आराम मिल जाएगा। ये तो ऊपर से लगाने वाला होगा, अंदर से खाने वाला। पीडानिल गोल्ड खाया? पीडानिल आज से खाऊंगा साहब, आज से। कल दवाई मिली थी ना, तो आज से स्टार्ट करूंगा। हाँ, आज से सारी दवाई शुरू कर लेना बेटा। हाँ। अब इसको उम्र कितनी है? मेरी 27 साल है। 27 साल की उम्र है, अब इसके कुल्ले सब खत्म हो गए। बताओ इसी उम्र में ये समस्याएं हो रही हैं, ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता नहीं। मैं ये पूछा था, जैसे मैं अभी नीचे नहीं बैठ पाता हूँ, तो क्या मैं नीचे बैठ पाऊंगा? नीचे बैठ पाएगा तेरे को, चल अभी तो चल भी कहाँ पाता, छड़ी ले रखी है तूने? तो नहीं, थोड़ा वो चल लेता हूँ, मतलब ये छड़ी भी छूट जाएगी, नीचे भी बैठ पाएगा तो ठीक है रोहित बेटा। ओम बेटा आशीर्वाद। देखो मैं कुछ बातें बता रहा था आपको। क्या अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब घिसे पिसे लोग, अस्थमा, अस्थमा के लिए भी स्वासारी गोल्ड उसका अचूक औषधि आ गई है। पेट की तो बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से लेकर के कोलाइटिस से लेकर के, और फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवोग्रिट और लिवामृत उसके लिए अचूक औषधियां बना दी हैं, संजीवनी और दूधी घास आदि और अलग अलग तरह की चीजें दे करके। बाकी तो IBS से लेकर के सारी चीजों का नया निजात खोज लिया हमने, और बाकी तो काफी बोल चुका मैं। इनफर्टिलिटी, चाहे स्त्रियों को या पुरुषों को, 100% समाधान है। पहले उसके लिए भी कुटापिटी बहुत करनी पड़ती थी, उसको और अपग्रेड कर दिया है, शिवलिंगी पुत्र जीवक आदि। तो अभी संतति सुधा और एक स्त्री सुधा, नारी सुधा, संतति सुधा और नारी सुधा, ये 2 औषधियाँ नारियों के लिए जबरदस्त बना दी हमने। पुरुषों के लिए तो पहले से यौनामृत और शिलाजित रसायन और यौवन गोल्ड भी, जिनको बहुत ही दुर्बलता थी उनके लिए सब बना रखा था। चर्म रोग, तो ये सोराइसिस है, एक्जिमा है, या सफ़ेद दाग है, या आर्टिकेरिया, या हर्पिस है। हर्पिस का पूरी दुनिया में केवल हमारे पास इलाज है, एलोपैथी वालों को पता ही नहीं ठीक कैसे होता है। वो तो कहते हैं तो एक जो है वायरस है, आ गया अब तो, और पूरी जिंदगी भर सताता है वो, और उसका आपको इलाज हमने घरेलू बता रखा है। ऐसे ही UTI और मासिक धर्म से लेकर मोनोपोज से लेकर के महिलाओं के तो क्या क्या, इंटरमेटेरियल थिकनेस से लेकर के फिर गांठें अलग अलग प्रकार की, इसके लिए सिस्टोग्रीट और डायमंड और सिस्टोग्रीट से लेकर के काचनार घनवट घटी से लेकर के नए प्रयोग किए हमने जबरदस्त। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनीज, डिप्रेशन, मेधावटी, ये हम देते हैं, थोड़ा सिरोधारा आदि कराते हैं, प्राणायाम ध्यान कराते हैं, करो सब बैठो। हार्ट की प्रॉब्लम तो 100% रिवर्स, बड़ी बात है, और इसमें औषधियां क्या दे रहे हैं, हृदयामृत, कार्डियोग्रीट, अर्जुन की छाल। नेत्र रोग, फिर कर्ण रोग, हेयर केयर, स्किन केयर की प्रॉब्लम, क्या क्या सब
जो है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ पर नई नई, और इसके लिए नई नई थेरेपियाँ, नई नई चीज़ें हमने एड ऑन की हैं आपके ट्रीटमेंट में, जो पहले योगग्राम में नहीं थे, यहाँ पर निरामय में नहीं थे। एपिलेप्सी, उसके लिए एपिलेप्सी वालों को जिनको एक एक दिन में पाँच पाँच दस दस दौरे पड़ते हैं, उनको भी हमने ठीक कर दिया। उसके लिए योग के साथ यज्ञ चिकित्सा का भी बड़ा महत्व है। हमारे ये आचार्य लोकेंद्र जी से लेकर के और तमाम हमारे सन्यासी वहाँ यज्ञ भी करवाते हैं, स्वामी समर्पण देव जी आदि। अभी हमारे दो सन्यासी पूरे पिछले चार पाँच साल से उनको यज्ञ चिकित्सा में मैंने लगा रखा था, तो उन्होंने जड़ी बूटी आयुर्वेद के संदर्भ खोज खोज करके और जो मेध्य औषधियाँ होती हैं उनसे यज्ञ करवाया, और जिनको चार चार पाँच पाँच रोज दौरे पड़ते थे उनको ठीक करके दिखा दिया। इसलिए मैं कहता हूँ योग के साथ यज्ञ चिकित्सा भी पूरा करो तो सभी मस्तिष्क के रोगों के साथ एपिलेप्सी को भी 100% अच्छा कर सकते हो, 100%। नहीं तो एपिलेप्सी के कारण से आदमी की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, आदमी अकेले चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, कहीं बहुत बुरी हालत हो जाती। तो एपिलेप्सी में यज्ञ चिकित्सा का विशेष महत्व है। अनिद्रा आदि तो यहां पहले ही दिन से ठीक हो जाती है। प्रोस्टेट के लिए हमने प्रोस्टोग्रिप, और बहुत ज्यादा हो तो यूरिन गोखरू का तो हमने बताया प्रोस्टोग्रिट, और पहली बार हमने यहां पर बनाई है ट्राइघन बटी गोखरू की घन सबसे, ट्राइघन और प्रोस्टोग्रिट। प्रोस्टेट की भी कितनों को प्रॉब्लम है यहां पर, एक बार हाथ उठाना। प्रोस्टेट मैंने तो कईयों से मिल भी लिया हूं और आप सबको ही बता रहा हूं, खाली ये दो ही चीजें ट्राइघन और प्रोस्टोग्रिट लगातार लेने से ही लोगों को चार चार बार रात को जाना पड़ता था, अब दो बार हो गया, उसका आकार घट जाता है और पीएसए लेवल भी बढ़ा हुआ, वो 100% कम हो जाएगा पीएसए कैंसर। ये तो प्रोस्टेट कैंसर ठीक करके बैठा हुआ, ये बजरंग मेरे सामने बैठा हुआ है, खड़ा हो बजरंग, ये बैठा हुआ, और इसको जेनेटिक था, ये जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, पहले बता चुका है ये, इसलिए मैंने इसको बैठ जाओ। तो ये प्रोस्टेट कैंसर पीएसए लेवल बढ़ गया है, प्रोस्टेट बढ़ गया है, होना चाहिए 20 ग्राम हो जाता है 80-80, 100-100 ग्राम, उसको रिवर्स गियर लगा देते हैं हम। तो ये तो मैंने करीब 25-30 बड़ी बीमारियों के, एलोपेशिया इसको अभी मैं ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसके भी जिनको ये केश कांति एडवांस तेल, जिनके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, और ये इसके साथ साथ इसमें चिरौंजी है, प्याज है, गुलर है, एक पूरा लेप जैसे सोरासिस वालों को लगाते थे ऐसे ये लेप और बना दिया है, तो एलोपेशिया भी दूर होगा। और यहाँ तो आकर के कितने लोगों ने, इतने पियक्कड़ थे, बीड़ी सिगरेट शराब दारू इतनी पीते थे, पी पी करके पूरा तंत्र हिला डाला शरीर का, बोले जी ये तो ट्रेमर हो रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, ट्रेमर सब तेरा ट्रेमर ग्लैमर सब ठीक करते हैं। तो डिस्टोनिया आदर्श का तो आपने देखा ही, वो लड़का ऐसे हंस, कल उसने मेरे को एक बड़ी विचित्र बात बताई, उसको एक फोबिया हो रखा था, उसको मुक्त कर दिया मैंने कल, तो उसकी वो बात तो बताऊंगा नहीं क्योंकि उसकी उसकी घरेलू बात थी, लेकिन उसको ऐसा झटका लगा, उसके साथ अपने परिवार के लोगों ने फोटो खिंचवाना बंद कर दिया, बोले तेरा फोटो खराब आता है, ऐसे आता आता है तेरा, तेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे। उसको लगा अरे मेरे घर वाले भी जो है मेरे साथ ऐसा करने लग गए, मैं इनको अच्छा नहीं लगता हूँ, बोले मैं इनको अच्छा होके दिखाऊंगा। वो लड़के ने अपने आप को मात्र 5-7 दिन के अंदर ही, सातवां दिन नहीं हुआ है उसको अभी, 5-6 दिन ही हुए थे, 5-6 दिन के अंदर जो हाथ ऐसे हाथ सीधा कर लिया और अब ठीक ठाक चलने लग गया, करीब 80% उसने अपने आप को अच्छा कर लिया है डिस्टोनिया से। किधर है आदर्श, और मजबूत है लड़का, लगा रहता है पूरे जोर शोर से पीछे खड़ा हुआ है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो उसके लिए, ये हौसले की बात है। मरे मरे से आते हो स्वामी जी, मर गए बचा लो, अरे बचा लेंगे, जो बता रहे उसको करो। या अनुलोम विलोम कैसे करना है, जिनको असाध्य रोग है इसको क्या कहना, बहुत देर से खड़ा है बालक, ओम रोक करके करो, जिनको भी ये असाध्य रोग है ना, बहुत गड़बड़ झाला हो रखा है, ऐसे 5-10 मिनट होल्ड किया करो। तो योगाभ्यास पूरा करो, क्यों मैंने बोला
ये बच्चों को बात समझ में आ गई है हेतवी को, और लगातार करती है लड़की, छोड़ती नहीं बिल्कुल भी, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। अब बच्चों को भी लगन लगा दो, बेटा देखो तुमको 100% अच्छा होना तो ये करो, तो बच्चे भी करने लगते हैं, क्या दिक्कत है। बड़ों को भी हौसला रखना, आदमी ना हौसला तोड़ देता है, सबसे बड़ी बात यहां मैं लोगों को हिम्मत देता हूं, बाकी तो चलो और कल चर्चा करेंगे, बहुत सी प्रॉब्लम है। जिनको ऑटोमेटिक डिजीजे MS है, SLE है, बहुत ज्यादा नाड़ी तंत्र कमजोर है, तो बीच में थोड़ा रोका भी करो ऐसे। तो चलो एक भजन सुला देते हैं हमारे। कोई नहीं, उसको भी औषधि बता देंगे, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ, उनको भी औषधि दे देंगे। अब ठीक है वो, अच्छा वो तो ठीक हो गया। अब उस चलो बैठ जाओ, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, और काफी तो ठीक हो गया है ना, आ जाएंगे अनुलोम विलोम करो, सब आराम आराम से करो। जिनको ज्यादा दिक्कत है मस्तिष्क की, नाड़ी तंत्र की, तो बीच में थोड़ा होल्ड किया करो, जिनको होल्ड करने के लिए बोला हुआ है वो होल्ड भी करो। सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण में आ गया, उत्तरायण को बहुत शुभ माना जाता है सब कार्यों के लिए, जीवन के लिए भी, क्योंकि प्रकाश बढ़ता है इस वातावरण में, एक सात्विकता बढ़ती है, कालखंड में भी सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता होती है, सुबह दोपहर शाम, जैसे सात्विक राजसिक तामसिक शरीर में मन में जीवन में अलग अलग वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ होती हैं, इस पूरे वातावरण में भी अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्रकार की दिव्यताएँ होती हैं। तो उत्तरायण का आगमन हुआ है, चलो आपके जीवन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आओ, शुभ संकल्पों के साथ अपने जीवन में क्रांति लाओ। हाँ, और वो क्रांति शांति शक्ति सारी दैवी संपद कपालभाति अनुलोम विलोम, एक एक घंटा करो, जिनको असाध्य रोग करो कपालभाति करो, रिदम के साथ करो, एक संकल्प ले लो, जिनको असाध्य रोग हैं जब तक रोग नहीं मिट जाते, एक एक घंटा कपालभाति सुबह दोपहर शाम, और दो दो घंटा अनुलोम विलोम करना है, 7 से 14 दिन में, 1 महीने के भीतर भीतर मैक्सिमम 99% तुम्हारी बीमारी मिट जाएंगी। कितनी, 1 महीना तो कोई लंबा चौड़ा कालखंड नहीं, बहुत तरह के तुमने एक्सपेरिमेंट कर लिए, करो सब करो। आज से योग का व्रत ले लो, आयुर्वेद का व्रत ले लो, स्वदेशी का व्रत ले लो, गो माता की सेवा का व्रत ले लो, गाय का ही दूध पिएंगे, गाय का ही घी खाएंगे, गो माता की सेवा, भारत माता की सेवा, जो अपने पास है 2 से लेके 10% तक कम से कम सेवा में अपना समय शक्ति ऊर्जा लगाने का व्रत ले लो, छोटे छोटे व्रत हैं। व्रतेन दीक्षाम् आप्नोति, दीक्षया आप्नोति दक्षिणाम्, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। तन मन मेरा स्वदेशी, आज व्रत ले, बहुत बड़ी जरूरत है इसकी, 1,000,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट कर ली आर्थिक रूप से, बाकी सांस्कृतिक लूट, आत्म विस्मृति, आत्म ग्लानि, न जाने कैसे कैसे दंश झेले हैं हमने, अब तो अपने ऊपर गौरव करना सीखे, हम ऋषियों के वंशज हैं, हम भगवान के अंश हैं। चलो ले के साथ करो कपाल भाती, ऐसे आधा आधा 1-1 घंटा करने का अभ्यास होना चाहिए। बाबा बैठ जाओ, बहुत देर से खड़े हो गए, ये भी हमारे
क्रांतिकारी बाबा हैं, इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा कर लिया। बोला हम तो बाबा आपके दर्शन करने आए। मैंने कहा हो गए दर्शन, बैठ जाओ बैठ जाओ, एक बात कहनी है। दे दो इसको माइक, दे दो थोड़ा सा, नहीं तो बैठ ही नहीं रहा है बाबा। ये बिहार से आए। हाँ बोले बाबा हम तो फूक मार रहा है माइक में बाबा। सर्वप्रथम बाबा के श्री चरणों में बार बार नमन। हमारा भी तुमको चरण प्रणाम है। बंदन बस एक दो मिनट में आज। अरे एक दो मिनट नहीं, हाँ दो वाक्य में बोलो। हाँ बस बोलो। इतना जो ग्राम के प्रति उद्गार हम प्रकट कर रहे हैं, कर दो हाँ। कि जो अभिलाषा थी वो सारी अभिलाषा आने से पूर्ति हो गई। हम आपके बारे में न जी भर के देखा न कुछ बात की, अब बड़ी आरजू थी मुलाकात। आपका दिग्दर्शन हुआ, धन्य धन्य हो गए। अब हम एक दो एकदम जाने के कतार पर हैं, इसलिए हमारा दृढ़ संकल्प करके हम जा रहे हैं कि बना कर तुझको मौला, खुद को बंदा कर दिया मैंने। महंगा हुआ सस्ता हुआ, अब तो सौदा कर लिया। ये तो अब बड़ा सौदा करके जा रहे हैं बाबा। अब स्वामी जी अंत में, हाँ बस अंत में हम जाते जाते, आप परसों बोले थे कि गुरु के प्रति आस्था होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इस पर हम बस एक लाइन यही कहते हैं दो शब्द में बस अंतिम में, कि राम ने सीता से प्यार किया तो बन गए, यानी उनका कैरेक्टर बन गया। हाँ, जंगल नहीं गए, कैरेक्टर बन गया। हम तो बिना ही सीता वाले, हमारी सुना। शक्तिवान हो गए कि राम ने सीता से प्यार किया तो बन गए, कृष्ण ने राधा से प्यार किया तो बन गए, आ जबरदस्ती प्यार किया तो आसाराम बन गए। आ किसी से प्यार नहीं किया तो बाबा रामदेव बन गए। अरे ऐसे बोलो, इसको सुधारो, सभी से प्यार किया तो बाबा रामदेव बन गए। ए बाबा बहुत मस्त है, ये पहले दिन हमको मिला। मैंने कहा तुमको तकलीफ क्या? बोलो तकलीफ कुछ नहीं, तुम्हारा दर्शन करने आए। तो तुम्हारी शुद्धि कर लेना, सभी से प्यार किया, सबसे प्यार करो, है ना। और प्यार कैसा, ये चमड़ी से, हड्डियों से, बालों से नहीं। लोग बोले हमें तो लूट लिया हुसन वालों ने, काले काले बालों ने, अरे इनमें लूट रहे हैं, बताओ। बालों में लूट रहे हैं, गालों में लूट रहे हैं। तो गुरु तो प्रेम का, करुणा का सागर होता है। प्यार से हम लबालब भरे हुए, लेकिन हमारा प्यार जिस्मानी प्यार नहीं है, रूहानी प्यार है। आज मकर संक्रांति की एक बार फिर से सभी राष्ट्रवासियों को ही नहीं, ये मकर संक्रांति तो पूरे विश्व का पर्व है। सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहा है ना, तो उत्तरायण में सब उत्तरोत्तर प्रगति करें, बीमारियों से, बुराइयों से, दुखों से, दर्दों से, दीनता से, आत्मविस्मृति से बाहर निकले, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, आत्मगौरव, आत्मसम्मान को उपलब्ध हो। इसके लिए हम भगवान से इस मकर संक्रांति के दिन प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में क्रांति आए, केवल भारतीय नहीं पूरे विश्व में अभिनव दिव्य आध्यात्मिक क्रांति आए, क्योंकि हमारा सपना है एक आध्यात्मिक भारत का, आध्यात्मिक विश्व का। आध्यात्मिक क्रांति से ही पूरे विश्व में शांति भी आएगी।